गाइस कैसे हैं आप। मैं शादाब खुरजेवाला और आपका स्वागत है मैरी गोल्ड फिल्म प्रोडक्शन में। और हम जैसे कि हर बार की तरह इस बार आए हुए हैं जंगल में। बहुत अच्छा यहाँ का माहौल है, एक तरह से एडवेंचर है। और इस फिल्म के प्रोडक्शन हाउस के जो मालिक हैं बैराम सर जी, जो प्रोड्यूसर हैं, मैं आपसे उनकी मुलाकात कराता हूँ, उनके बारे में पूछता। सर आप अपना थोड़ा सा बताएं अपनी ऑडियंस को, थोड़ा सा विस्तार से कैसा यहाँ का माहौल है, कैसा आउटपुट निकल रहा, कैसे लोग काम कर रहे हैं। जी, बहुत ही अच्छी टीम है और सभी अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे। ये हम एक वेब सीरीज बना रहे हैं जो यूट्यूब चैनल पे आएगी, मैरी गोल्ड फिल्म प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनने वाली है। और यूट्यूब हमारा चैनल रहेगा मैरी गोल्ड कॉमेडी इंडिया और मैरी गोल्ड म्यूजिक इंडिया। जी, इसमें आप देखेंगे कि कैसे कैसे एक नाग नागिन दो नागिन हैं और एक नाग है, जिसमें एक अंधी नागिन है। वो तो आपको देखने के बाद पता चलेगा कितना सस्पेंस इसके अंदर है। और ये जो जंगल आप चारों तरफ देख रहे हैं, ये एक रहस्यमयी जंगल है। और इस रहस्यमयी जंगल से कैसे लोग बाहर आते हैं, बाहर आने की कोशिश करते हैं, ये तो आप देखेंगे तभी आपको मालूम होगा क्या क्या होता है घटनाक्रम इसमें। और सर मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि आपके ऑडियंस कमेंट में बता रही है आप थोड़ा सा मार्केट से हटके थोड़ा सा डिफरेंट काम कर रहे हैं और आप क्वालिटी भी दे रहे हैं, तो क्या ऐसा है। बिल्कुल जी, आपने सही पूछा, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि YouTube पे लोग सोचते हैं कि बहुत आसान है काम जी, जी, करना जी, जी। और कुछ भी करके डाल देते हैं, लेकिन हम उससे हटके काम करते हैं। हमारा करीब 8 दिन से यहाँ पे, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया हमें शूट करते हैं जंगल में, आप देख रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ कि YouTube पे आप पहली बार ऐसे कोई वेब सीरीज कहानी देखेंगे, जी, ऐसी स्टोरी देखेंगे कि आपको एडवेंचर हर जगह नजर आए। जी, तो गाइस काफ़ी ये क्रिएटिव है, थोड़ा सा हटके है, इफेक्ट्स इसमें है। और मैं आपको मिलाना चाहूँगा फिल्म के फादर ऑफ डायरेक्टर, यानी फिल्म के डायरेक्टर से, फिल्म के जो फादर होते हैं ये हैं। सर सर थोड़ा सा अपने बारे में विस्तार से बताएं। हाय दोस्तों, मैं हूँ तारिक जमाल सैफी, मैं राइटर और डायरेक्टर हूँ छोटा सा। और इस फिल्म के प्रोड्यूसर बैराम जी ने मुझे ये कॉन्सेप्ट बनाने की जिम्मेदारी दी है। ये कॉन्सेप्ट नाग नागिन पर आधारित है और ये बहुत ही सस्पेंसफुल प्रोजेक्ट जी, जी। है। तो इसमें दो नागिन हैं, जी। एक नाग है और कुछ ऐसे लोग हैं जो नाग नागिन के दुश्मन हैं। ठीक ठीक ज़्यादा तो मैं इस बारे में बता नहीं पाऊँगा, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो मैं फिल्म बना रहा हूँ या जो प्रोजेक्ट है हमारा, इसको हम बहुत बढ़िया तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें बहुत ही इंटरेस्ट आपको आने जी, वाला जी। है। सस्पेंस के साथ रोमांच सब कुछ इसके अंदर है। तो सर आपने जो भी कहानी के अंदर जो भी कैरेक्टर अपनी पसंद से या चूज करे हैं, क्या वो बखूबी अपना काम निभा रहे हैं, आपके लिए फिट हैं, वो सही काम कर रहे हैं। हाँ, इससे क्योंकि हम ऑडिशन करके ही जी, आर्टिस्टों का चयन करते हैं। आर्टिस्ट अच्छा काम कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो आती हैं जी, लेकिन सब बढ़िया काम कर रहे हैं, अपने अपने कैरेक्टर को सब बढ़िया निभा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि हम लोग एक अच्छा प्रोजेक्ट दर्शकों को। तो गाइस ये आपको देने में कुछ कामयाब थोड़ा हो सा जाएंगे। डिफरेंट मिलेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे एक सुमित बंजारा जी हैं, जो एक्टर हैं, जो किसी नाम के मोहताज नहीं है। हम उनकी तरफ आपको रूबरू कराते हैं। ये हैं सुमित बंजारा जी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित बंजारा और हमारे प्रोड्यूसर बैराम जी ने तो आपको सब कुछ बता दिया और हमारे तारिक जमाल जी डायरेक्टर जी ने भी बता दिया आपको सब कुछ। हम तो ये कहना चाहेंगे कि हमें यहाँ काम करके बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है और बैराम जी के साथ काम करके तो और अच्छा लगता है। और हमारे साथ हैं इरशाद राजा जी। सर कैसे हैं आप, और बताएं आपको कैसा लग रहा है, कैसा आपको शूट करने में मज़ा आ रहा है और क्या आपको कैरेक्टर दिया हुआ है, कैसा एंजॉय कर रहे हैं आप। नमस्कार सभी प्यारे दर्शकों, हमें शूट करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारे जो डायरेक्टर हैं, राइटर हैं तारिक जमाल सैफी जी, उन्होंने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है और चुन चुन के चुनिंदा कलाकार इस प्रोजेक्ट में डाले हैं, जो हमारे बैराम जी हैं, मैरीगोल्ड म्यूजिक कंपनी के मालिक, वो भी हमारे साथ है। 8 दिन से हमारा शूट चल रहा है इधर शुक्रताल में, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और हमें ये प्रोजेक्ट करके इतनी खुशी हो रही है कि हमने शायद हम पहली बार ही इतना अच्छा प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है इस प्रोजेक्ट में काम करके। तारिक जी ने बहुत अच्छी स्टोरी लिखी है और बहुत अच्छा डायरेक्शन कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी मेरे प्यारे दर्शकों, आपके प्यार की हमें बहुत सख्त ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि आप हमारी इस वेब सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। बस दर्शकों मैं यही कहना चाहूँगा,
तो अब मैं मिलाता हूँ मिस रुखसार जी से, जो फीमेल इसमें लीड हैं, जो लीड कर रही हैं रुखसार जी। तो मैम आपको कैसा लग रहा, क्या कैरेक्टर आपका लीड, आप बहुत क्या हो रहा, मतलब क्या मजा आ रहा है, कैसे आप इमेजिन कर रहे हैं उस चीज को? बिल्कुल मैं बताऊंगी। तो दोस्तों मैं हूँ रुखसार मंसूरी, एक्टर, डांसर और एंकर। तो ऑल इन ऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं हम। एटलीस्ट 10 दिन हम लोगों को यहाँ हो जाएंगे इस जंगल में। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ा तो आ रहा है, बट बहुत सारे ट्रबल भी हमें फेस करने पड़ रहे हैं, बट हम फिर भी उस चीज़ को इग्नोर करके, क्योंकि वी आर जस्ट इंजॉइंग आवर शूट, तो इसीलिए हम उन चीज़ों को इग्नोर करके बस अपने शूट को, अपने कैरेक्टर में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं कि हम बहुत मजे कर रहे हैं। जी जी। और एक बात और मैं कहूँ, आज इनका जो है कूदने का सीन था, ये थोड़ी सी नर्वस हो गई, कूदी नहीं अब, लेकिन इन्हें रियलाइज हुआ ये अब ये जंप अगेन करना चाह रही है वो। डेफिनेटली आई विल ट्राई डेफिनेटली अगेन। तो हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, हर इंसान को एक फोबिया होता है, मुझे भी था, बट मैं डेफिनेटली कोशिशों पे खड़ी उतरूंगी। तो अब मिलाऊंगा जी से, जो को आर्टिस्ट का एक्ट कर रहे हैं अभी, विकास जी कैसे हैं आप? बढ़िया जी। राम राम जी। मैं आपका अपना विकास राजपूत। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा बहराम सर जी का, तारिक सर का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि भाई मैं थोड़ा बहुत काम कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ सर जी ने बुलाया मुझे, और बड़ा अच्छा काम लगा इनका, बढ़िया डायरेक्शन, प्रोड्यूसर बहुत अच्छे हैं, हमारे डायरेक्टर सर बहुत अच्छे हैं, तो मतलब कुल मिला के बड़ा इन्जॉय करा। मैं शायद ही अपने जीवन में कोई ऐसी फिल्म करी होगी जो हम ये कर रहे हैं और फुल इंजॉय कर रहे हैं, मतलब अपने करेक्टर के साथ साथ भी हम पूरा इंजॉय ले रहे हैं, मतलब हमें बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा कि भाई जो है कि हम भाई जंगल में शूट कर रहे हैं या कोई परेशानी, ऐसी कोई परेशानी हमारे प्रोड्यूसर सर ने हमें आने जी नहीं दी। जी जी। अगर प्रोड्यूसर की बात करा जाए तो मैं पर्सनली बताना चाहता हूँ, हमारे बहराम सर जी बहुत अच्छे पर्सन है, ये बहुत ही सीधे सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, पर्सनली बता रहा हूँ, बहुत अच्छे इंसान है। तो अब मैं ले जाता हूँ इस फिल्म के जो DOP हैं, जो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी हैं, साकिर लदवाड़ी जी की तरफ। साकिर लदवाड़ी जी अभी नाक पकड़े हुए हैं और सभी का छर ये एक तरह से क्वालिटी बेस्ट दे रहे हैं इस टाइम मार्केट में। 100+ इनकी फिल्में आ चुकी हैं और अपनी जड़ें मजबूत कर चुके हैं। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून और गुड नाइट हो जाएगी जब मैं चला जाऊँगा। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये जो फिल्म है इनके ऊपर है, इनको जरा ध्यान से देखो, बड़े गौर से देखो, ये रबड़ के सांप है पर लेकिन हमने असली बनाए हुए हैं। आपने देखोगे असली, ये नाग है, ये नागिन है, नागिन भी आपने देखी है, नाग भी आपने देखा है। अब इनको जीवन देने के लिए क्या किया गया है, डायरेक्टर सर ने, बहराम सर ने इनके अंदर जान डाली, जादू किया, कभी आसमान में उड़े, कभी हमारे पैर तोड़े, अब देखो ये भी जादू ही है। तो जो भी कुछ है बस फिल्म में देख लेना बस। भाई साहब नमस्कार, इतने मैं कहना चाहूँगा, मैंने इनको चमकाने के लिए पूरी मेहनत कर दी है, स्टोरी को बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, पैर में दर्द हुआ है, शरीर में दर्द हुआ है, थैंक यू। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी मूवी होने वाली है इंशाल्लाह, बहुत बढ़िया मूवी बनेगी और आपसे उम्मीद है कि आप इस मूवी को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जी 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 जी। और मैं बताना चाहूंगा आपको, हमने सारे जो है चमकाने वाला बंदा, मैं आपको मिलाना चाहता हूँ हमारे मेकअप दादा राजू दादा जी, मुंबई रिटर्न्स, जो कि आर्टिस्ट को उसके कैरेक्टर में ढालते हैं, चाहे किसी भी चीज का रोल देना हो, उसे ओल्ड बनाना हो, बुजुर्ग बनाना हो, बहुत बढ़िया। बताए सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। जी सर बताए अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे व्यूअर को। मेरा नाम राजू है, मैं 30 साल से फिल्म इंडस्ट्री में हूँ। हमारे बहराम जी ने हमें मौका दिया कि एक फिल्म बनानी है, इन्होंने स्क्रिप्ट तैयार की, स्क्रिप्ट दी, उसके बाद से नागिन और नाग के और जितने आर्टिस्ट थे सबके गेटअप तैयार किए, उसके बाद ये फिल्म फ्लोर पे आई। जी जी। और कैमरे के पीछे है विक्की साहब, मैं आपको इन्हें दिखा देता हूँ, ये भी बहुत अच्छे कलाकार हैं, अभी थोड़ा सा नए फील्ड में आए हैं। हालांकि नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने देखा कि हम पूरी टीम के साथ हैं, हमारे डायरेक्टर सर तारिक जमाल जी और प्रोड्यूसर बहराम सर, जो कि एक बहुत सरल स्वाभाविक इंसान, शायद ही हमने आज तक ऐसे लोगों के साथ काम किया हो, मैंने तो किया नहीं अब तक। जी सर, तो आपको एक्ट करके यहाँ कैसा महसूस हो रहा, क्या क्या आपको नया देखने को मिल रहा है और क्या क्या आपके आने वाले समय, क्या कैरेक्टर की उम्मीद आप लगाते हैं? क्या आने वाले समय की तो मैं जानता नहीं, लेकिन लगभग 8 और 10 दिन का शेड्यूल था हमारा, बड़ा इंजॉय और आनंद से काम हुआ। आप देख रहे हैं हरा भरा जंगल, जंगल के बीच क्या बस क्या बताएं, कुछ बताने के काबिल मतलब शब्द ही नहीं है हमारे पास। तो गाइज ये काफी देखो रिस्की भी था, क्योंकि ये जंगल काफी घना है
और यहाँ देखो सांप कीड़ों का भी मामला रहता है। तो आप आर्टिस्टों ने जी तोड़ मेहनत करी है, उम्मीद क्योंकि रनिंग चेसिंग सीन ज्यादा थे इसमें और कुछ क्रिएटिव है, तो उम्मीद करता हूँ ये फिल्म रिलीज होने के बाद आप इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों हमने ये मूवी शूट करने में कई दफा जानवरों का सामना भी किया है जी, जी। बड़ी मुसीबतों से इस जंगल में हम शूट कर रहे हैं, बहुत हमें डर लगता है जब इसमें घुसते हैं, लोग बताते हैं कि अजगर भी है, ये भी है, वो भी है, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि हमारा सामना भी हुआ लेकिन हम पीछे नहीं हटे, अपने काम पर डटे रहे, बाकी बहुत ही अच्छा हमारा काम हो रहा है, बाकी आपका प्यार की जरूरत है। नमस्कार, धन्यवाद।